हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट द क्वेश्चन सेज, लेट्स रीड। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स एपी की फर्स्ट टर्म जो है 5 है एंड लास्ट टर्म गिवन है 45 एंड द सम इज 400। सम क्या है? 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है इसमें एपी की फर्स्ट टर्म मीन्स ए गिवन है एंड लास्ट टर्म मीन्स एन ए टर्म गिवन है एंड सम, सम मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स हमें गिवन है 400। हमें इसमें फाइंड आउट करना है एन एंड टी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। फर्स्ट इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड एन एट टर्म दैट इज 45। हमें फाइंड आउट करना है एन एंड कॉमन डिफरेंस एंड सम गिवन है हमें 400। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एस एन पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एस एन फाइंड आउट करने के टू फॉर्मूला हैं। फर्स्ट है एन अपॉन टू ए प्लस एल एंड सेकेंड वन इज एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें एन ए टर्म गिवन है 45 और एन ए टर्म को हम एल भी कह सकते हैं, एन ए टर्म इक्वल टू एल। तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे? फॉर्मूला नंबर 1। तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। क्लियर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे एस एन के प्लेस पे 400, एन अपॉन टू, एन हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज़। ए यहाँ पर गिवन है 5, एल मीन्स लास्ट टर्म गिवन है 45। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। 400 टू डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू एन, 5 प्लस 45 50, 800 इक्वल टू 50 एन। एन की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 800 अपॉन में 50, जीरो से जीरो कट हो गई, 5 वन ज़ा एन, 5 सिक्स ज़ा, एन की वैल्यू सोल्व करके आ गई 16 इक्वल टू एन। नेक्स्ट हमारे पास n की वैल्यू सोल्व करके आ गई है, हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम n ए टर्म पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। ए एन हमें गिवन है 45, ए एन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45। ए की वैल्यू पुट कर देंगे 5 प्लस n सोल्व किया हमने 16 माइनस वन, डी हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज़ इक्वल टू 45, 5 प्लस 15 डी इक्वल टू 45, 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 15 डी इक्वल टू 45 माइनस 5, 15 डी इक्वल टू 40 एंड डी इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 8 ज़ा, 5 3 ज़ा, 8 अपॉन 3। अब एन की वैल्यू सोल्व करके आ गई 16 एंड डी की वैल्यू 8 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।